नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमएच हुआ पुलिस छावनी में तब्दील, इलाज के दौरान अभय गिरी की हुई मौत, दो दिन पूर्व लगी थी गोली। जमशेदपुर के गुलमुरी में चला प्रशासन का बुलडोजर, हल्के बल प्रयोग के साथ हटाया गया अतिक्रमण। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने साइबर ठगी के सक्रिय सदस्य को दिल्ली से किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज में छात्र संघ के प्रतिनिधि हुए उग्र, शिक्षकों के मान मनोबल के बाद हुए शांत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में दो दिनों पूर्व हुए अभय गिरी गोलीकांड में घायल अभय गिरी की मौत शनिवार को इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में हो गई है। यहां हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरे अस्पताल को जिला प्रशासन ने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। विगत गुरुवार को सोनारी के कागल नगर इलाके में अभय गिरी नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से ही उनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा था। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके परिजनों की भीड़ अस्पताल में लग गई। अस्पताल में हंगामे की आशंका पर बड़ी मात्रा में यहां पुलिस बल की तैनाती जिला प्रशासन के द्वारा की गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजन और बस्ती वासियों में आक्रोश देखा गया, लेकिन पुलिस ने इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी, जिस कारण यहां हंगामा होने से बच गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सोनारी में जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसकी मृत्यु हो गई है और अभी पोस्टमार्टम हाउस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और यहां आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र के टिनप्लेट चौक के पास बसे अतिक्रमित दुकानों पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां से करीब 50 अवैध दुकानों को हटाया गया। इस दौरान पुलिस को हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। पूर्व में यहां सभी दुकानदारों को नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया था और उसके बाद इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की एक न चली। वैसे यहां से पूर्व में ही लगभग 30 दुकानदारों ने अपनी दुकानें हटा ली थी, लेकिन बाकी दुकानें वहीं लग रही थी और उन सभी को शनिवार को तोड़ दिया गया। वैसे ठीक इस बाजार के सामने एबीएम कॉलेज है और यहां दुकानें लगने से कॉलेज में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और यहां अक्सर जाम की स्थिति भी बनी रहती थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया। जमशेदपुर एक्सेस के पदाधिकारी भी इस दौरान यहां मौजूद थे। वैसे इन्होंने कहा है कि जो यहां सब्जी विक्रेता थे वो कृषि उत्पादन बाजार समिति में जाकर अपने लिए दुकान आवंटित करवा सकते हैं। ये जो एबीएम कॉलेज के आसपास जो भी दुकानें हैं उन लोग जो अतिक्रमण करके बनाया गया है, कच्चा दुकान है सब, इन्हीं को तोड़ा गया है। यहाँ पहले अनाउंसमेंट भी हो चुका है और नोटिस भी चिपकाया गया था। 80 के आसपास है दुकान, उसमें कभी 20-25 लोग खुद से ही हटा चुके हैं पहले से। जो खुद से नहीं हटाए हैं उनको हटाया जाए। जी पुनर्वास तो ये इनको जो सब्जी बेचते हैं इनको बोला गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में जाके बेचें। हाँ, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का दिक्कत था और नीट के दुकान है तो बदबू भी आती थी, इसे कॉलेज वाले को बहुत परेशानी होती थी। और इधर इंटर की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से एलबीएसएम कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां समारोह के बीच छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इधर कॉलेज के प्राचार्य व अन्य शिक्षकों के समझाने के बाद छात्र संघ के प्रतिनिधि शांत हुए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 11वीं के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंक लाकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। इसे देखते हुए कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जैक के मेंबर पुष्कर वाला, विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि व इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य कर रहे थे। तभी छात्र संघ के प्रतिनिधि उग्र हो गए और कार्यक्रम के बीच पहुंचकर कार्यक्रम को समाप्त करने की मांग की। उनके अनुसार किसी भी तरह के समारोह में छात्र संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय द्वारा ये छात्र संघ के सदस्यों का अपमान है। केएलबीसी महाविद्यालय में आज एक प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मान दिया जा रहा है और जिन प्रतिभाशाली छात्रों और यहाँ के छात्रों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को हमेशा दरकिनार करके यहाँ महाविद्यालय के प्रशासन चल रहे हैं। एक दीक्षण समारोह से लेकर कैसे कार्यक्रम हुए हैं 2016 में देखा जाए, 15 में देखा जाए, प्रत्येक साल एक लोग प्रोटोकॉल एक नियम बना करके रखे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए।
दीक्षांत समारोह में ऐसे कार्यक्रम में जहाँ राज्यपाल आते हैं वहाँ भी दरकिनार किया जाता है, वो तो छोड़िए कॉलेज के प्रोग्राम में भी दरकिनार किया जाता है। इसका मतलब कि शिक्षा तो शिक्षक का गुण ना होकर के ये तो एक राजनीतिक पार्टी वाला गुण लेकर के आए हैं जो अन्य नेताओं को यहाँ मौका नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। छात्र इसका पूर्व विरोध करता है। और अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है कि छात्र नेता को सम्मान मिले ताकि छात्रों को समस्या को आगे लेके जा सके और अगले छात्र जो बनने वाले नेता बनेंगे उस सम्मान के साथ वो उनको बनने का मौका मिलना चाहिए। वहीं कॉलेज प्रबंधन के अनुसार उन्हें आमंत्रित किया गया था पर किसी कारणवश लेट हो जाने से वे सभी आवेश में आ गए थे। उनके अनुसार दोबारा छात्र संघ के प्रतिनिधियों का हर कार्यक्रम में पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी किसी छात्र या छात्र संगठन से जुड़े हुए किसी भी सदस्य को ना हो। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। उनके अनुसार 11वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें छात्र संघ के सदस्यों को भी पुरस्कृत किया गया। स्तर पर जो 11वीं की परीक्षा ली गई है उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे विभिन्न विषय में 16 विषयों में जो प्राप्त किया है उसके उत्साहवर्धन के लिए बाकी स्टूडेंट को भी उस मोटिवेशन के लिए हम लोगों ने उसके लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थोड़ा लेट होने से अफरा तफरी हो, जब आगे में जो शिक्षक लोग बैठ गए थे तो उनको बैठने की जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा नाराज़ है, उनको मना लिया गया है, शिक्षक लोग अपना जगह छोड़ दिया है, वो लोग बैठ गए और सभी हैप्पी हैं, आगे इसका ख्याल रखा जाएगा। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर आर के चौधरी, इंचार्ज इंटरमीडिएट से। और बात करें सरायकेला की तो सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्य गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साइबर ठग मनीष शर्मा है जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र से स्थानीय आदित्यपुर पुलिस ने की है। आरोपी शातिर साइबर ठग गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है जिसने स्थानीय आदित्यपुर के व्यवसायी विपिन सिंह से तकरीबन 4.5 लाख रुपए की ठगी की थी। ठग गिरोह के सदस्य द्वारा व्यवसायी से विगत एक वर्ष से लॉटरी आदि के बहाने अपने खाते में पैसे जमा करवाया जा रहा था। बाद में ठगी के शिकार होने के बाद व्यवसायी विपिन सिंह द्वारा स्थानीय आदित्यपुर थाने में ठगी का मामला दर्ज किया गया जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया, जबकि इस गिरोह में अन्य 5 से 6 लोग भी शामिल हैं जो कि फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया है कि साइबर ठगी के आरोपी द्वारा दिल्ली के अलावा हैदराबाद समेत अन्य राज्यों में भी लोगों से ठगी की है। वहीं आरोपी फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है जिसे पुलिस ट्रांजिंग रिमांड पर लेकर सरायकेला पहुंचेगी। नाम का एक व्यक्ति था जिससे 4.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और अकाउंट पर पैसा डाला। इसी संबंध में एक टीम को है सो वही पदाधिकारी के आदेशानुसार दिल्ली भेजा गया था। सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के दौरान उसकी गिरफ्तारी मनीष शर्मा नाम के व्यक्ति की हुई है जिसके अकाउंट में भी जिसके भी नाम से भी फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था और पैसा की ठगी कर डलवाया गया। तत्काल वहाँ उसे है सो ट्रांजिट रिमांड के अनुरोध पर है तत्काल वहाँ तिहाड़ जेल में रखा गया 29 तारीख तक। इस बीच है जो संबंधित कागजात की जो न्यायालय संबंधित न्यायालय से मांगी गई है जिसको लेकर हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं वहाँ ट्रांजिट रिमांड पर लाके यहाँ जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि केंद्र में मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में विश्वासघात दिवस मनाया। जमशेदपुर में भी इसके लिए रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने की। इस दौरान कांग्रेसियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही इन पोस्टरों को गुब्बारे में बांधकर हवा में छोड़ा गया। जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि देश को पिछले 4 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल जुमले दिए हैं और इसी कारण विश्वासघात दिवस कांग्रेस पार्टी मना रही है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार का 4 वर्ष पूरा हुआ और कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का मानना है बीजेपी सरकार 4 वर्ष में सिर्फ जुमलेबाजी की है, झूठा आश्वासन दिया है और पेन पेपर के माध्यम से सारा जो लेखा जोखा है उसको भी प्रभावित किया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार,
ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। ने खास करके जो बदलाव किया है बच्चों को देखते हुए, यहाँ पे हमने 2 राइड्स चेंज किए हैं जो बच्चों के लिए हैं। एक बुगी ट्रेन है जो बच्चे काफ़ी पार्क में एंजॉय करते हैं, उस बुगी ट्रेन को हम लेके आए हैं नई पहली बार यहाँ पे। दूसरी के जो टॉय ट्रेन बोलते हैं, टॉय ट्रेन पहले भी लेके आए, इस बार भी हम नया लुक में लेके आए हैं, जिसमें क्या है बच्चे उनके माता पिता के भाती इस साल क्या है कि काफ़ी चेंजिंग हम किए हैं इसमें। हमें उम्मीद है कि इस बार जो यहाँ के लोग हैं खरीदारी में कुछ ज़्यादा ही उनको मदद मिलेगा। जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें अनेक ज्योतिषी का जो एक गेलाम किसी प्रॉब्लम नहीं है,
কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মাধববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে, আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহীং লাগতা থা, শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায়। মহাদেব জি সে মিলে অর সভি পরেশানিও সে নিজাত পায়ে। মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করেন জেমকো, আদিত্যপুর, সাক্ষী, সোনারি, মানগো, গোলমুড়ি। মোবাইল নম্বর 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रीन अर्थन ए रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन कर युवाओं ने पॉलीथीन को खत्म करने के लिए दौड़ लगाई। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा ग्रीन अर्थन ए रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के सेफ्टी डिपार्टमेंट के हेड संजीव पॉल और एडीएम सुबोध कुमार के अलावा खेल विभाग के कई अधिकारी एवं हजारों की संख्या में युवाओं ने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए दौड़ लगाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा हरी झंडी दिखाकर युवाओं को रवाना किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एडीएम सुबोध कुमार ने कहा है कि आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखना अति आवश्यक है। जल है तो कल है, आने वाली पीढ़ी को हम पॉलीथीन मुक्त और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार और कई कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर पॉलीथीन मुक्त राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये दौड़ लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए हो, इस दुनिया की बेहतरी के लिए हो, उसमें जमशेदपुर सबसे आगे आता है। और यहाँ पे हर तरह के ऐसे लोग मौजूद हैं, वो किसी भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि बीते दिनों सरकार ने भी जब पॉलीथीन के अगेंस्ट अपना कार्यक्रम चलाया तो इस शहर के अलग अलग संस्थाओं ने, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे सामाजिक संगठन हो या नगर निकाय हो, सभी ने मिलजुल करके इसके खिलाफ अभियान ऑलरेडी छेड़ रखा है। ये जो कार्यक्रम है उसमें एक बड़ा धक्का साबित होना चाहिए और पॉलीथीन को पूरी तरह से यहाँ उसका वजूद जो है मिटाने में ये ग्रीनथॉन सहायक होगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में दो दिनों तक चलने वाले ऑल इंडिया फेडरेशन एजुकेशन एसोसिएशन की ओर से आयोजित नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया फेडरेशन एजुकेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्रजनंदन शर्मा और बिहार माध्यमिक संघ के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, झारखंड प्राथमिक संघ के महासचिव निखिल मंडल समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्तमान में शिक्षकों की समस्या को देखते हुए चर्चा की गई। वहीं संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्रजनंदन शर्मा और बिहार के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि जब शिक्षा का हित नहीं होगा तो देश और राष्ट्र का हित यानी विकास कैसे होगा, इसलिए शिक्षा काफी जरूरी है। इतना ही नहीं, सरकार बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है। वहीं शिक्षा विभाग में भ्रष्ट पदाधिकारी भेजे जा रहे हैं, सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। हम शिक्षा हित के लिए एक शिक्षकों में संवेदना जो है उसको प्रकट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जब शिक्षा का हित नहीं होगा तो देश का हित और राज्य का हित नहीं संभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षकों के वेतन की लड़ाई में कभी नहीं लड़ता, लड़ते हैं कि लेकिन भौतिकवादी युग में उन्हें भी जरूरत है, इसलिए भौतिकवादी युग में उन्हें भी जरूरत है, इसलिए लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं कि उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहता है सरकार बनाने में। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए प्रधान पद के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी जीत का दावा किया है। पिछले दिनों कई विवादों में घिरा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव अब जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न कराया जा रहा है, जिसके लिए 150 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर नए प्रधान का चयन करेंगे।
प्रधान पद के चुनाव को लेकर दो उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों के द्वारा जमकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शेर छाप से उम्मीदवार गुरमुख सिंह मुखे ने संवाददाता सम्मेलन कर अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी गुरुद्वारों के प्रधान एवं सिख संगत समिति का समर्थन प्राप्त है। अगर संगत उन्हें मौका देती है तो वे कई योजनाओं को धरातल पर उतार कर संगत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं चुनावी एजेंडे में उच्च स्तर की शिक्षा, बेरोजगारों को रोजगार और गरीब लड़कियों की सामूहिक विवाह इसमें शामिल है। प्रचार के दौरान उन्हें सभी गुरुद्वारों के प्रधान एवं विभिन्न संगठन के सदस्यों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है। पिछले दिनों हुए विवाद को लेकर उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए आमरण अनशन की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप कर निर्विरोध घोषित प्रधान हरविंदर सिंह मिंदी को अवैध घोषित करते हुए चुनावी प्रक्रिया को आरंभ किया गया था। उन्हें पूरी उम्मीद है कि संगत और सभी गुरुद्वारों के प्रधान उन पर आस्था व्यक्त करके उन्हें अपना नया प्रधान चुनेंगे, जिसके बाद से संगत का विकास वे कर सकेंगे। वो कल 27 मई रविवार को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होने वाले सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के चुनाव के लिए जो मतदान होना है उसके लिए हमारा शुरू से ही ये मानना रहा है कि जमशेदपुर में सिखों की बहुत बड़ी आबादी, अब ये तो पूरे झारखंड बिहार में सबसे ज्यादा आबादी देखी जाए तो जमशेदपुर में। वहीं दूसरी तरफ प्रधान पद के उम्मीदवार हरविंदर सिंह मिंदी भी शहर के विभिन्न गुरुद्वारों का भ्रमण कर अपने पक्ष में मत करने की अपील संगत के लोगों से कर रहे थे। इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए हरविंदर सिंह मेहंदी ने कहा कि उन्हें सभी गुरुद्वारों के प्रधान एवं सिख संघर्ष समिति का समर्थन प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। जीत के बाद वे सभी संगत एवं गुरुद्वारों के प्रधान को लेकर चुनावी एजेंडा पर काम करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में हरविंदर सिंह मेहंदी ने कहा कि प्रधान पद के उम्मीदवार गुरमुख सिंह मुखे के द्वारा दबंगई और गुंडागर्दी के दम पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसका संगत मत के माध्यम से जवाब देगी। जमशेदपुर की सेवा, सिख संगत की सेवा जरूर देगी, मैं पूरा आश्वस्त हूँ। जीतने के बाद ये जो कई वर्षों से चला आ रहा है गुरुद्वारा का, जब चुनाव आता सी जी किसी का, तब किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई मुद्दा सामने आया, तो क्या ये हर समय के लिए खत्म करेंगे अगर आप प्रधान बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि सिख समाज जो आज इस जगह जो पहुँचा है वो हमारे संविधान में काफी संशोधन होने हैं। पिछले 1943 से लेकर अभी तक जो है हमारे जितने भी इससे पहले प्रधान आए हैं उन्होंने अपने हिसाब से समय समय पर उसमें परिवर्तन किया है, लेकिन आज जो है हमारे इसमें बहुत ही परिवर्तन करने की जरूरत पड़ रही है। और आने वाले समय में जमशेदपुर की आम सभा बुला के गुरुद्वारा सभी गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों को बुला के जो है इसमें एक ऐसा संशोधन किया जाए कि भविष्य में कभी भी सिख समाज को इलेक्शन में दिक्कत नाम की चीज नहीं आनी चाहिए। और इधर जमशेदपुर में पहली बार ऑल इंडिया स्पोर्ट्स स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 105 क्लाइंबर वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा ऑल इंडिया स्पोर्ट्स स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दो दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रांतों से कुल 150 क्लाइंबर अपनी किस्मत आजमाने के लिए जमशेदपुर पहुंचे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन टाटा स्टील बिजनेस के वीपी उत्तम सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर हेमंत गुप्ता के अलावा कई पर्वतारोही मौजूद थे। स्पीड क्लाइंबिंग के संबंध में जानकारी देते हुए हेमंत गुप्ता ने कहा कि ओलंपिक और एशियन गेम में क्लाइंबिंग को शामिल किए जाने के बाद यह पहली बार इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के द्वारा ऑल इंडिया स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पर्वतारोही वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकेंगे। इस कंपटीशन के माध्यम से आने वाले ओलंपिक और एशियन गेम के लिए टीम का चयन भी किया जाएगा। यह प्रतियोगिता दो दिनों तक चलेगी।
स्पोर्ट क्लाइंबिंग कंपटीशन हो रहा है ये स्पीड कैटेगरी में, तो जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है तीन कैटेगरी में होता है, बोल्डरिंग, स्पीड एंड लीड क्लाइंबिंग। तो ये स्पीड क्लाइंबिंग का कंपटीशन है, इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 फीट का एक वॉल रहता है, थोड़ा सा ओवरहैंग वॉल रहता है, और इसमें दो क्लाइंबर एक साथ में भागते हैं। जैसे आपका ग्राउंड पे स्प्रिंट होता है उसी में आपको ऊपर भागना है स्प्रिंट 15 मीटर तक, और जिसका मिनिमम टाइम होता है वो जीतता है। तो इसमें नॉकआउट स्टेज रहता है एंड फाइनल में जो जीतता है वो ओवरऑल चैंपियन रहता है। तो इसमें ऑल इंडिया से लोग आए हैं, 105 पार्टिसिपेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो पहले नेशनल लेवल पर मेडल्स ले रखे हैं, और इन्हीं पार्टिसिपेंट में वो पार्टिसिपेंट में जो एशियन टीम इस बार जो इंडिया की जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि 2018 से इसको एशियन गेम्स में और 2020 से ओलंपिक्स में इंक्लूड कर लिया गया। जमशेदपुर के अलावा बाहर के काफ़ी खिलाड़ी हैं, जो 105 खिलाड़ी हैं उनमें से 30-40 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी मेडल लिए हैं अपने उसमें। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में निर्मल परियोजना ग्रामीणों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग परियोजना के अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। दो दिवसीय इस ट्रेनिंग के पूरे होने पर सभी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इसका प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करेंगे। निर्मल परियोजना के द्वारा ग्रामीण के लिए पिछले दिनों परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर में इन चयनित कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग शिविर आयोजित की जा रही है, जिसमें इन्हें स्वच्छ जल, शौचालय तथा स्वास्थ्य आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। ये सभी कर्मचारी अपने पंचायत इलाके में जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे, साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल, शौचालय निर्माण कार्य की स्थिति तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेंगे, जिसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगी। ग्राम में निर्मल परियोजना अंतर्गत हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। हम लोगों ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का चयन किया था, दिनांक 27/4/2018 को इन लोगों का इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग आज चल रहा है। इन लोगों को निर्मल परियोजना के संबंध में पूरा बताया गया है। ये पंचायतवार चयन है और सारे पंचायत के जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सारे आए हैं। उन्हें पंचायत में क्या करना है क्या नहीं करना है इस संबंध में हम लोगों ने क्या इसका मेन मकसद है? इसका उद्देश्य है कि निर्मल परियोजना के बारे में को गांव-गांव तक पहुंचाना और लोगों को स्वच्छ जल और शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये देंगे। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी में इन दिनों जलकुंभियों का अंबार लगा हुआ है। जी हाँ, जिसे देखते हुए युवा जदयू ने एक अनोखी पहल की है। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंचे, साथ ही सभी ने मिलकर नदी में से लगे जलकुंभियों को हटाया है। हालांकि नदी पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, मगर युवा जदयू की इस पहल को एक अच्छा पहल जरूर कह सकते हैं। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि नदी पूरी तरह से गंदा है, जिस कारण शहर में कई बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए यह पहल की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि शहर के सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को नदी साफ सफाई में अपनी भागीदारी निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जिला प्रशासन को नदी गंदा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं युवा जदयू के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण युवा जदयू ने नदी साफ करने की पहल की है। लाइफलाइन है स्वर्णरेखा नदी, उसमें गंदगी का अंबार है और जहां तहां जलकुंभी उग गई है, और जिससे कि तरह तरह की बीमारी जैसे कि मलेरिया, डेंगू का खतरा है। तो युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया आज कि नहीं, हम लोग खुद प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे और हम लोग खुद ही अपने से पहल करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग आज उतरे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे जलकुंभियों को साफ करने का प्रयास किया है। स्वयंसेवी संस्थाएं, बाकी राजनीतिक दल सभी लोग आए ताकि प्रशासन की नींद खुले और इस जलकुंभी को यथाशीघ्र यहाँ से हटाया जाए। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, अपन भी हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया।
मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा, अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलछा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलछा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलछा रेडीमेड सेंटर। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलछा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलछा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलछा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलछा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलछा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार, आज ही पधारें बाजार गोलछा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर, 0657229093। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक, पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद वफर से आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों का गुणगान लोगों के बीच कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे धिक्कार दिवस व विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। इस बाबत सरायकेला जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों द्वारा धरना का आयोजन किया गया। इस धरने के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने जो वादे आम जनता के लिए किए थे वो पूरा नहीं कर सकी है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर भाजपा द्वारा इसे चुनावी जुमला करार दिया जा रहा है, यह जनता के साथ विश्वासघात है। कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा से चुनावी वादे को जल्द पूरा कर जनता को लाभ पहुँचाने की उसमें मांग की गयी है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के भुइयाडीह ग्वाला बस्ती की महिलाएं राशन कार्ड बनवाने की मांग को लेकर स्थानीय अनुभाजन कार्यालय पहुंची। भुइयाडीह ग्वाला बस्ती की एक महिला ने बताया है कि उन लोगों के पास पारिवारिक राशन कार्ड नहीं है,
वे लोग अनुभाजन विभाग कार्यालय में एसओआर से मुलाकात करने पहुंची थीं, लेकिन एसओआर को दफ्तर में नहीं रहने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं महिला ने कहा है कि यदि भुइयाडीग वाला बस्ती में कैंप लगाकर पारिवारिक राशन कार्ड बनाया जाता तो उन्हें कार्यालय आने की नौबत नहीं आती। वाला बस्ती से हम लोग, उनके राशन कार्ड बनाना है। कितना लोग का राशन कार्ड नहीं बना है? हम लोग उनके 30-35 लोग का नहीं है। तो यहाँ पर आए थे काहे के लिए? यही इसी के लिए हम तो वहाँ पर स्थानीय क्षेत्र में वहाँ पे राशन कार्ड बनाने के कोई पदाधिकारी नहीं जा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं जा रहा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग उनके बनना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए और हम लोग चाहिए। और वहीं बिरसानगर जोन नंबर 6 की रहने वाली रेखा कुमारी एसएसपी से मुलाकात कर बकाये वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। रेखा कुमारी का कहना है कि वे न्यू बाराद्वारे के निवासी संतोष साहू के घर पर 5,000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रही थी। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया और 1 महीने का वेतन भी बकाया पड़ा हुआ है। वहीं संतोष से वेतन मांगने पर वे धमकी देते हैं और इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से की है। थे आपका गोबिंदपुर में, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रहने वाला आपका बाराद्वारी में है। वही मेरे को हर महीने का पैसा देता था, 6-7 महीना हो गया, वो 5-6 महीने का पैसा दे दिया। जो दिसंबर का पैसा वो मेरा अभी तक नहीं मिला है। बोलता है कि हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। बोलते हम तेरा मालिक नहीं है। क्या नाम है कंपनी का? बायोफ्रेश। वहाँ से क्या काम होता है? वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर था, जो जितना भी कॉस्मेटिक का जो माल था वो दुकान में देता था, हम उसका परचेज करते थे। ऑफिस है वो? ऑफिस, हाँ वो ऑफिस था और मेरे को रखा गया था शॉप में। पैसा आपको नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। महीना पर रखा गया था? मेरे को 5,000 करके देता था हर महीना। अभी क्या बोल रहा है? अभी बोलता है कि हम नहीं देंगे पैसा। क्या परेशानी हो रहा है? मेरे को मेरा पैसा चाहिए, जो हम काम किए 8 घंटा, मेरे को उसका पैसा चाहिए। मेरा माँ बाप पूछ रहे 8 घंटा तुम कहाँ थी जब 1 महीने का पैसा नहीं लेके आई तो। और यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें क्या मंच। और यहाँ आपको बताएं कि राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के सुदामा शर्मा ने बताया है कि ज्ञापन में देवता, संत एवं राष्ट्र पुरुषों के अनादर को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का आग्रह किया गया है। ये मांग किससे कर रहे हैं आप? सरकार से? हमारी मांग है कि, हमारी 2 मांगे हैं जिसपे हमने निवेदन दिया है। एक पहली मांग है कि वो फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के द्वारा जो हिंदू देवी देवताओं, संतों, राष्ट्र पुरुषों का जो अवमानना होता है, जो विडम्बना होती है, वो विडम्बन को रोकने का सरकार प्रयास करे। और वो किसी भी हालत में ये विडम्बन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धन पे आघात है ये। दूसरी मांग हमारी है महिलाओं का जो लैंगिक शोषण हो रहा है, महिलाओं का जहाँ तहाँ बलात्कार किया जा रहा है, ठीक, इस पर सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वो उसको ये करके जनता को सुरक्षा प्रदान करे। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में 31 मई को मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस रक्तदान शिविर में आम लोगों के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी हिस्सा लेंगे। मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा द्वारा समय समय पर विभिन्न तरह के सामाजिक हित के लिए कार्य किए जाते हैं। वहीं समाज हित के लिए व गरीब जरूरतमंदों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराई जा सके, इस उद्देश्य से 31 मई को बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आयोजककर्ता परमेंद्र शर्मा के अनुसार ब्लड बैंक के सलाह पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा गर्मी के मौसम में रक्तदान शिविर का आयोजन कर गरीब जरूरतमंदों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। एक वृहत रक्तदान शिविर किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में सीआरपीएफ कैंप जमशेदपुर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यह रक्तदान शिविर हमारे श्री स्वर्गीय सत्यनारायण पुरोहित, सांवरमल पुरोहित एवं सीताराम जी पुरोहित की स्मृति में किया जा रहा है। इस रक्तदान में हमारे जितने भी सदस्य हैं उनमें से भी बहुत से सदस्य आगे आए हैं इसमें से स्पॉन्सर करने के लिए। ये रक्तदान हमारा क्या है कि मारवाड़ी युवा मंच का सभी सदस्यों और जो डोनेशन दिए उनके सहयोग से हो रहा है। और रक्तदान शिविर के लिए हम लोगों ने ये मई का महीना इसलिए चुना क्योंकि ब्लड बैंक से ये रिक्वायरमेंट आई थी कि मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा गर्मी के महीने में एक वृहत रक्तदान करे। और यहाँ आपको बताएं कि टाटा स्टील और यातायात पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर के चुनिंदा क्षेत्रों में यातायात में सुधार लाने के लिए सहयोग नामक एक संयुक्त पहल शुरू की है।
टाटा स्टील के 10 स्वयं सेवकों को यातायात विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। स्वयं सेवक फ्लोरोसेंट जैकेट, यातायात हेलमेट, दस्ताने और वायु फिल्टर मास्क से लैस रहेंगे। प्रारंभ में सबसे व्यस्त दो जगहों को चुना गया है, बिष्टुपुर रिगल और साक्षी में यह लागू होगा। आने वाले समय में इसके दायरे और कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिटी SP प्रभात कुमार ने कहा कि झारखंड में यह एक अद्वितीय और अपने प्रकार की एकमात्र पहल है। उसके बाद दो बार रोड सेफ्टी वीक मनाया गया, एक बार रोड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस मार्च भी हुआ था स्टेडियम को भोपाल मैदान। तो लगातार ये प्रयास रहा है कि कैसे इसको और बेहतर से बेहतर किया जाए, बिकॉज एज मेंशन बाय गोपाल चौधरी जी, ये लगभग 2 लाख के आसपास डेथ होती है, फेटल एक्सीडेंट्स और टीयर एक्सीडेंट्स इससे ज़्यादा है, पर 2 लाख के आसपास फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ देम इज प्रिवेंटेबल। और यहाँ आपको बताते चलें कि पोटका में जल छाजन योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच करने के लिए रांची से टीम पहुंची, जहां पर करंडे से जिला भूमि संरक्षण के कार्यालय में घंटों जांच किया गया। वहीं जांच के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप दिखा। जांच टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं, कई फाइलें और कागजात नहीं मिल पाए हैं। जांच टीम ने महिला कंप्यूटर ऑपरेटर मिताली से घंटों पूछताछ की। बताया जा रहा है कि मिताली के हस्ताक्षर से लाखों रुपए की फर्जी निकासी की गई है। यह सभी मामला 2014 से 2017 के बीच का है। ये जल छाजन योजना 2010-11 की योजना है, जो कि हमारा 5 साल चलता है। टोटल 5,94,00,000 की योजना था, लेकिन हम लोग स्टेट से 3,26,00,000 ही हम लोग रिलीज कर पाए थे। पैसा का फ्लो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट से PI को जाता है और PI से कमेटी को ट्रांसफर किया जाता है पैसा, ठीक है। अब PI मतलब कि हमारे वहाँ पर एक कमेटी होती है, कमेटी में एक सचिव, अध्यक्ष और कुछ लोग, मतलब ग्रामीणों का एक संघ होता है जिसका रजिस्टर्ड होता है, उसके द्वारा पैसा का खर्चा होता है। अभी हम लोग आज के जो हम लोग 2 दिन का गहन ये फील्ड अध्ययन था, हम लोग का फील्ड जांच था, उसमें हम लोग चढ़ की। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। TMH हुआ पुलिस छावनी में तब्दील, इलाज के दौरान अभय गिरी की हुई मौत, 2 दिन पूर्व लगी थी गोली। जमशेदपुर के गुलमुरी में चला प्रशासन का बुलडोजर, हल्के बल प्रयोग के साथ हटाया गया अतिक्रमण। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने साइबर ठगी के सक्रिय सदस्य को दिल्ली से किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में छात्र संघ के प्रतिनिधि हुए उग्र, शिक्षकों के मान मनोवल के बाद हुए शांत। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।